तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के ऐसे फॉर्मेट की वो जो कि बहुत ही ज़्यादा रोमांचक हो चुका है और साथ ही साथ आजकल के दिनों में इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है जो कि सभी लोग उसका वेट करते हैं। तो वो फॉर्मेट है T20 फॉर्मेट जो कि 20-20 ओवरों के फॉर्मेट में खेला जाता है, यानी कि दोनों टीमों को 20-20 ओवर खेलने का मौका मिलता है। तो इसी फॉर्मेट का जो ICC का मेन इवेंट है यानी कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप वो होने जा रहा है इस साल यानी कि 2022 में, तो जो कि अक्टूबर से नवंबर के महीने में होने जा रहा है। उसमें कौन कौन सी टीमें भाग लेने वाली है, इंडिया के मैचेस कब कब होने वाले हैं और साथ ही साथ कहां खेले जाने वाले, ये सारी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो जो कि वर्ल्ड कप के लिए 8 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है, वो 8 टीमों की लिस्ट आपको साइड में दिख रही होगी। तो वो 8 टीमों के अलावा जो 4 टीमें और क्वालिफाई करने को रहती है उनका क्वालिफिकेशन होता है ग्रुप स्टेज में, और फिर ग्रुप स्टेज को क्लियर करके जो 4 टीमें पहुंचती है उनमें से दो दो टीमों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। जो कि T20 वर्ल्ड कप में दो ग्रुप बनाई जाती है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, तो दोनों ग्रुप में दो दो टीमें बांट दी जाती है और दोनों ग्रुप में 6-6 टीमें बराबर खेलती है। तो ये वाला T20I वर्ल्ड कप होने वाला है 8वां एडिशन वर्ल्ड कप का जो कि T20 वर्ल्ड कप का होने वाला है, और ये होस्ट करने वाली है टीम ऑस्ट्रेलिया, और टीम ऑस्ट्रेलिया आखिरी बार की विजेता भी रह चुकी है। तो इस बार टीम ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज़्यादा मजबूत दिखेगी क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियन के साथ साथ इस बार होस्ट करने वाली टीम भी होने वाली है। सारी 12 टीमें डिसाइड होने के बाद 22 अक्टूबर से मैच स्टार्ट होगा और पहला ही मैच खेला जाएगा होस्ट टीम के बीच यानी कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच, और पहला मैच खत्म होने के बाद यानी कि अगले दिन खेला जाएगा इंडिया का मैच, और वो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मैच क्योंकि वो होने वाला है इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच, और वो मैच शुरू होगा दोपहर के 1:30 बजे जो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच होता है किसी भी ICC इवेंट में। तो ये मैच काफ़ी शानदार होने वाला है, और 23 अक्टूबर के बाद इंडिया का अगला मैच होने वाला है 27 अक्टूबर को जो कि वो क्वालिफाई करके जो टीम आएगी उस टीम के साथ खेला जाएगा, और फिर अगला मैच होने वाला है उनका 30 अक्टूबर को, वो होने वाला है टीम साउथ अफ्रीका के साथ। फिर उसके बाद जो अगला मैच होने वाला है वो होने वाला है 2 नवंबर को यानी कि 2 नवंबर को इंडिया खेलेगी हमारे पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश के साथ, और फिर उसके बाद जो आखिरी उनका लीग स्टेज का आखिरी मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा जो दूसरी टीम क्वालिफाई करके आएगी उनके ग्रुप में उस टीम के साथ, और वो खेला जाएगा 6 नवंबर को। उसके बाद जो दोनों ग्रुप से जो टॉप 2 की टीमें होंगी वो सेलेक्ट होंगी सेमीफाइनल्स के लिए, और फिर आखिरी फाइनल खेला जाएगा 13 नवंबर को, और हमें 13 नवंबर को मिल जाएगा ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 का चैंपियन, और जो कि कहलाएगा अगले 2 साल के लिए, जो कि T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल पे खेला जाता है पर बीच में कोरोना पेंडेमिक के कारण ये 2016 में आखिरी बार खेला गया था, फिर उसके बाद डायरेक्ट 2021 में खेला गया, और फिर बिना साल के गैप के बिना 2022 में दोबारा इसको कराया जा रहा है। ये इवेंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और T20 के फॉर्मेट में होता है तो ये सबसे ज़्यादा देखने वाला इवेंट माना जाता है, और साथ ही साथ इससे जुड़े सारी लाइव अपडेट, सारी टीम की डिटेल और जो प्लेइंग 11 बनने वाली है सभी टीमों की, और जो स्क्वाड घोषित की जाएगी सभी टीमों की उनकी डिटेल मैं आपको टाइम टू टाइम लाता रहूँगा और साथ ही साथ आपको अपडेट रखूँगा। तो उन सब के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो अगर आप हैं इंडिया के फैन, क्रिकेट के सच्चे फैन, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, कीप प्लेइंग, प्ले हार्ड।